शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चंद्रा आंटी को हराने का और हमारे माँ बाबा को इस हवेली में वापस से लाने का महायज्ञ शुरू हो चुका है। हवेली पे बुरी नजर पड़ गई है, किसी का काला साया पड़ गया है और वो काला साया हमें हटाना होगा। हमारी बहुत पुरानी जमीन है, कौड़ियों के भाव में ली थी, आज की तारीख में तो उसकी कीमत बहुत बढ़ चुकी है। बाबूजी कितने की होगी? 20-25 करोड़ की। हम सोच रहे थे कि उस जमीन पे मंदिर बनवा है। आपका जो मन है आप वो कीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए अब हम आपसे बाद में बात करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा ठीक है श्रवणी। श्रवणी चाचू से बात कर रही थी? हाँ, वो हमसे कह रहे थे कि अब वो नए घर में रहने लगे और पता है वहाँ पर बहुत सारी खेलने की भी जगह है। लेकिन नए घर में क्यों? क्योंकि जहाँ वो पहले रहते थे ना, वहाँ का पता चंद्रा आंटी को पता चल गया था। बाबा हमें बता रहे थे कि वहाँ पर खतरे से खाली नहीं रहना, इसलिए। क्या हुआ बंटी? हम बचपन से इस हवेली में रह रहे हैं अपने बाबा और दादू के साथ, पर हमारे चाचू यहाँ पर नहीं रहते, उन्हें कितना बुरा लगता होगा कि इतनी बड़ी हवेली होते हुए भी वो एक छोटे से घर में रहते हैं जो कि बार बार बदलना पड़ता है। सिर्फ हमारी माँ की वजह से सब हुआ है। हमारी माँ कितनी बुरी है, वो हमारे चाचू को मारना क्यों चाहती हैं? हमारी हवेली में कितने सारे कमरे हैं, अगर तुम्हारे माँ बाबा हमारे साथ रह लेंगे तो क्या ही हो जाएगा? वो तो खुद कहती हैं कि स्वीटी के साथ सब कुछ बांटा करो, उसे चॉकलेट दिया करो, खिलौने दिया करो, यहाँ तक कि रूम भी बांटा करो। तो बाबा और चाचू एक हवेली क्यों नहीं बांट सकते? हमारी माँ ऐसी क्यों है? हमें माफ कर दो श्रवणी। आंटी रोना बंद करो, अपने आंसू पोछो। अगर कोई स्वीटी ने तुम्हें रोते हुए देख लिया ना तो तुम्हें पूरे दिन चिढ़ाएगी। ये हुई ना बात। अच्छा श्रवणी तुम्हारी माँ कैसी है? उन्हें तो बुरा लगता होगा ना कि वो हमारे साथ हवेली में नहीं रहती। अरे नहीं बंटी, हमें तो ऐसा नहीं लगा कि उनको इस हवेली में आना है, हमें वरना पता चल जाता। हमने तो बस उन्हें पानी पताशे की दुकान पे पानी पताशे बेचते हुए देखा है और वो उसमें ही बहुत खुश रहते हैं। और जब ज्यादा कमाई हो जाती है ना तो पता है हमने पास वाली दुकान से कचौरियाँ लेकर आते हैं और उससे ही जश्न मनाते हैं। हमारी माँ ने कभी हमसे कुछ नहीं मांगा और हमें चंद्रा आंटी के बारे में भी उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया। और जब हमें चंद्रा आंटी के बारे में पता चला ना तो बस वो यही चाहती थी कि हम इन सारी चीजों से ना दूर रहे। वैसे सारी माएँ तो अच्छी होती हैं। हाँ। पर हमारी माँ तुम्हारी माँ की तरह अच्छी क्यों नहीं है? वो इतनी बुरी क्यों है? अरे नहीं बंटी, माँ तो माँ होती है, माँ के बारे में ना कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। और देखना भगवान जी जल्दी डुगडुगी बजा देंगे और चंद्रा आंटी बहुत अच्छी बन जाएंगी। नहीं वो कभी अच्छी नहीं होंगी, वो बहुत बुरी है। ओहो बंटी, हम तुम्हें कब से कह रहे तुम समझ ही नहीं रहे हो। अच्छा बताओ तुम कौन से बड़े अच्छे थे? कितना परेशान किया है तुमने हमें, हमारे पैरों के नीचे कंचे फेंके हैं, फिर हमें घर से भी बाहर निकाला है तुमने और कितना चिढ़ाया भी हमें। और जब हमने तुम्हारे लिए गोली खाई तब जाकर तुम सुधरे हो। लेकिन श्रवणी हम तो बच्चे हैं और बड़ों को सुधारना बहुत मुश्किल बात होती है, पर हमारी माँ तो बहुत बुरी है और हमें उन पे इतना गुस्सा आता है कि सोच भी नहीं सकते। उन्होंने तुम्हें भिखारियों को भेज दिया था, ये कितनी बुरी बात है, कितना बुरा किया उन्होंने। बताओ 30 करोड़ की जमीन और ऐसी पड़ी इतने सालों से। भगवान का संभाना, जब से सुने हमारे कान से धुआं निकल गया। और कह रहे हैं कि मंदिर बनाएंगे,
बताओ। 30 करोड़ पानी में, मतलब 30 करोड़ की पूजा होगी। और हैरानी की बात यह है कि किसी ने पलक भी नहीं झपकी, मूरख के जैसे बैठे थे सबके सब। बड़े लोग बड़ी बातें। ये बड़े लोग हमारे टुकड़ों के पलने वाले। हाँ वो तो है। और बकवास बंद करो तुम, दान धर्म में एक दिन कुबेर का धन भी कम पड़ जाएगा। ये हमारा पैसा है, हम इस तरह से पानी में बहने नहीं देंगे। ये तो है। बाबूजी को उस डेवलपर को बेचना पड़ेगा जमीन, और जो पैसा आएगा ना वो हमारा होगा। मेरे नहीं, हमारा होगा। आपके हमारा में हम नहीं है बाना? नहीं है। अरे पर बेच कहां रहे हैं वो दोनों? बेचेंगे, पहले इनके पिताजी को मनाएंगे, अगर पिताजी मनाएंगे अपने बेटे को। कैसे मनाओगी और कौन मनाएगा? तुम मनाओगी? मतलब तुम्हारे मनाने से बुढ़ो मानेंगे? 8 साल तक काल कोठरी में तुम उनको बंद करके रखी हो और तुम मना लोगी? कमाल बहना, का कॉन्फिडेंस है तुम्हारा। नाम में भले ही चांद है, आग हम सूरज वाली रखते हैं, पर आग से सोना पीतल सब पिघल जाता है। ये कौन चीज है बुढ़ो? मोमबत्ती के जैसे से टप 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 पिघलेंगे, जैसे हमारे टप 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 आंसू बहेंगे। नहीं बंटी, अगर तुम अपने माँ बाबा के बारे में बुरा बोलोगे ना तो वो अच्छी बात नहीं होती है। हमारी माँ ने हमसे कहा है, और जब भगवान जी के पास जाते हो ना तो उनका जो परीक्षा का पेपर होता है उसमें आपके नंबर घट जाते। तुम चाहते हो तुम्हारे नंबर घटे? नहीं नहीं ना। हे भगवान, हम भी कितने बुद्धू है ना, हम कम से तुम्हें बोले जा रहे लेकिन हमारा इस पे ध्यान ही नहीं पड़ा। ये किसके लिए? एक मिनट, ये हमारे लिए ना। सच बताओ ना, गुदगुदी करते रहेंगे तुम्हें। अच्छा ठीक है, बताते रुको बताते हैं। ये हम तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं। हमारे लिए? दिखा दिखा। रुको, पहले नीचे बैठो। बताओ। और आंखें बंद करना तो भूली नहीं, आंखें बंद करो पहले। तुम भागोगे तो नहीं ना? नहीं, हम नहीं भागेंगे। अब अपनी आंखें खोलो। ये लो शरवणी, तुम्हारा तोहफा। इतनी सारी किताबें? हमें पता है कि तुम्हें किताबें बहुत पसंद है, क्योंकि तुम जब भी किताबों को देखती हो तुम्हारी आंखें जुगनू के तरह चमकने लगती हैं, और फिर बाद में तुम दुखी भी हो जाती हो, इसलिए ना, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई छूट गई सिर्फ हमारी माँ की वजह से। अच्छा, अब मुझे देखते ही रहोगी या फिर बुक खोल के देखोगी भी? देखो। अरे वाह। हमें पता है कि तुम्हें एक आँखों का डॉक्टर बनना है, पर आँखों के डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई के लिए किताबें काम आती है। क्या हुआ? अरे धन्यवाद की क्या जरूरत, ये तो हमारा फर्ज था। दुई तो सपने थे, एक माँ बाबा को इस हवेली में वापस लाना और आंखों का डॉक्टर बनना। भगवान, आपने सबसे सही काम किया, हमें बंटी जैसा भाई देखकर, जो हमारे दोनों सपने पूरे करने में इतनी मदद कर रहा है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? पैर मत हटाइए बाबूजी, आपकी सेवा करके अपने पाप धोना चाहते हैं। आपको लग रहा होगा ना कि हम नाटक कर रहे हैं,
रखना भी चाहिए। हमने जो आपके साथ किया है उसके बाद हम पर भरोसा क्यों करेंगे आप? और जो कल ही हुआ, जिस तरह से हमने आपसे बात की, गलत की, हमने सोचा उस बारे में और हम सोच ही रहे थे और हमें नींद आ गई। और आपको पता है क्या हुआ? हमने एक सपना देखा कि हम बुढ़े हो गए हैं और हमें हमारे बेटे ने वृद्धाश्रम छोड़ दिया। एक पल के लिए भले ही वो एक सपना था, पर हमने आईना देख लिया जो इतने सालों तक हमने आपको जीने के लिए मजबूर किया। हम कैसे भूल गए बाबूजी कि हमारी भी औलाद है? आज हम जो बोएंगे वही काटेंगे। कहते हैं ना, नरक और स्वर्ग इसी धरती पर है। ऊपर जाके का पता, जो करोगे वो भरोगे। हमें एहसास हुआ कि हमने जो आपके साथ किया वो हमारे सामने आएगा और हम डर गए। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। जो दिन हमने देखे और जो अपमान हमने सहा और जो हमने भुगता, हम नहीं चाहते कि कोई और भुगते। पर वो तो भुगतना ही है ना, क्योंकि अगर आपने हमें माफ नहीं किया ना बाबूजी, तो ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। ये माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए बाबूजी। ये क्या कर रही हो? पीछा हटो। इतनी नफरत होनी भी चाहिए? मत माफ कीजिए, मत माफ कीजिए। पर क्यों भरोसा करेंगे आप हमारी जैसी औरत पर? अब हमारा इंसाफ ना आपके बेटे करेंगे। हम आज उनको सब बता देंगे कि हमने क्या क्या किया, हमसे क्या क्या गलतियां हो गई, हमारे लालच में हमने कितने लोगों का दिल दुखाया। आज हम उनको साफ बता देंगे, अपना गुनाह कबूल करेंगे और उसके बाद उनसे कहेंगे कि जो सजा देना है दीजिए बाबू जी। हमने सबका विश्वास तोड़ा बाबू जी, उसके बाद वो हमको इस घर से बाहर निकाल दे, हमारे दो छोटे छोटे बच्चों से हमको दूर कर दे, सब चलेगा हमें बाबू जी। लेकिन हम इस बोझ के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। हमने अपने पिताजी समाज ससुर जी का इतना अपमान किया, हमें इस बोझ के साथ अपनी जिंदगी नहीं हम नहीं जी सकते। रुको, अब इसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में भानु को कुछ नहीं बोलूंगा, ताकि वो तुम्हें तुम्हारे बच्चों से दूर ना करे। एक माँ को उसके बच्चों से दूर करने का पाप हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। मैंने तुम्हें माफ किया। हम आपके एहसान जिंदगी में नहीं बचा, आपने हमें माफ कर, आपने हमें माफ कर। अब इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस यही बहुत है। यही जरूरत है अपनी गलती सुधारने की। जरूरत है ऐसी नहीं, जो जो हमने आपके साथ किया आप देखिएगा, हम अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा में, अम्मा जी की सेवा में, सबको संभालने में निकाल देंगे। हम साबित करेंगे कि हम दिल से माफी मांगे। खुश रहो, सुखी रहो।
बात दीजिए। आपको पता है आज ना हमारा भाई हमारे लिए किताबें लेकर आया है, ये देखिए, ताकि हम पढ़ सके इसीलिए। और आज से ना हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और हमें तो अभी से ऐसा लग रहा है कि आप लोग जल्दी इस हवेली में आ जाएंगे। देखना, हम इतनी पढ़ाई करेंगे कि हम ना आंखों का डॉक्टर बनेंगे, हमारा सपना पूरा हो जाएगा। फिर एक आवाज ना निकले, समझी? नहीं तो यही मार के गिरा देंगे। तुम्हें तुम्हें ये चाहिए? ये रख लो, प्लीज हमें जाने दो, ये सब ले लो, हमारे पास और कुछ नहीं है। ऐसा ना कहो रानी कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो बहुत कुछ, मगर तुम राजी हो जाओ, घबराओ नहीं, बस थोड़ा कोऑपरेट करो। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। जाने देंगे? पहले मन तो भर जाए, बस दो चार दिन की बात है, और क्या। श्रवणी, तुम यहाँ बैठी हो, हम पूरे घर में तुमको ढूंढ रहे हैं। क्या हुआ? कुछ काम था हमसे? हाँ पगली, हम काम होगा तभी ढूंढेंगे का तुम्हें। हम तो देख रहे हैं कि पढ़ाई बढ़ाई कर रही हो, मन लगाकर पढ़ना चाहती हो जी। लेकिन तुम बंटी जैसे घर में थोड़ी ना पढ़ोगी, स्कूल जाओगी ना। रुको। हेलो, ज्ञान ज्योति स्कूल जी, हम श्रीमती चंद्रा भानु ठाकुर बोल रहे हैं। हमारे घर की नाम एक बच्ची है, हाँ हमारे घर की समझ लीजिए, उसका ऐसे बीच में दाखिला हो जाएगा क्या जी? वो 8 साल की है तो 4th में होगी ना। अरे वो बेचारी का स्कूल छूट गया था, लेकिन हम आपको बता रहे हैं बहुत तेज है। नहीं 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 नहीं, साल भर के लिए नहीं चाहिए, कोई 18 दिन के लिए, 19वें दिन वो चली जाएगी। अरे लेकिन उसकी मजबूरी है ना, वो कहाँ रुक सकती है, 19वें दिन तो जाना पड़ेगा ना उसे। नहीं हो पाएगा, चलिए कोई नहीं, शुक्रिया, अब आप भी का ही कर सकते हैं। देखी ना, हम कोशिश किए, अब वो कह रहे हैं बीच में दाखिला नहीं हो पाएगा, अब तुम्हें जाना है ना 19वें दिन, तो 18 दिन के लिए पढ़ाई के सपने देख के क्या करोगी? नौकरानी बनकर आई थी और नौकरानी बनकर ही जाओगी, तो छोड़ो पढ़ाई, पढ़ाई क्या करना है। अरे छोड़िए नहीं चंदा, ये
छोड़ दीजिए। ताई जी, कौन सी ताई जी? हमसे रिश्ता मत जोड़ने की कोशिश करना। हम तुम्हारा और तुम्हारे माँ बाप का काल है और कोई रिश्ता नहीं तुम्हारा हमारा। छोड़ो पढ़ाई बढ़ाई। नहीं चंद्र आंटी, नहीं। क्यों? नहीं छोड़ो पढ़ाई लिखाई ना करो। अरे अरे बहू, अरे हमें चाय चाहिए थी। अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे कुछ नहीं, वो ये श्रवणी सब किताबें फैला के बैठी थी तो हमने सोचा इसकी मदद कर दें। तो बस हम भिजवाते हैं चाय। हम ऐसे इसको ढूंढने के लिए आए थे तो यहाँ पर बैठ के पढ़ाई कर रही थी। बड़ी तेज बच्ची है ये, बहुत तेज है। हाँ चलो श्रवणी, ठीक से रखो अपनी किताबें। चलो। हाँ भाई, ठीक से रखो किताबें अपनी। हम चाय लेकर आते हैं। हाँ। मजा आया। चाय लेने गई है बहू है। दादाजी, आप कह रहे थे ना कि आपके पास पुरखों की जमीन है, और ये कह रही है कि अगर उसे बेचकर इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो उसे बेचने में ही भलाई है। लेकिन दादाजी, हम क्यों बेचें? अब ये राय हम अपनी बहू से लेंगे। तुम बताओ कि हमें ये जमीन बेचनी चाहिए या नहीं? हमें भी यही लगता है कि बेच देनी चाहिए। बहू, तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी कि पुरखों की जमीन बेचने के लिए तुम राजी हो जाओ। संभाल के कहीं फिसल ना जाओ तो लग जाएगी ना आपको। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।